सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। एनडीए को 11 पर जीत मिली, इनमें भाजपा 9, अजीत पवार गुट और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक एक सीट मिली है। वहीं कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीता है। राज्यसभा में 245 सीटें हैं। हालांकि वर्तमान में 8 सीटें, इनमें 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत की सीटें खाली है। सदन की मौजूदा सदस्य संख्या 237 के साथ बहुमत का आंकड़ा है 119 है। 11 सीटों की जीत के साथ एनडीए 112 सीटों तक पहुंच चुकी है। एनडीए को 6 नामांकित और 1 निर्दलीय सदस्य का भी समर्थन प्राप्त है, यानी एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल गया है। वहीं बिहार से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा के मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध जीते।